विद्यार्थी जीवन का एक प्रतिष्ठित प्रश्न है कि किसी भी विषय के अध्ययन के दौरान चित्त भटकता क्यों है। आखिर कोई भी विषय अध्ययन करते हैं तो चित्त का कहीं भी चला जाता है, तो उससे अध्ययन के दौरान मतलब बहुत डिस्टर्ब होता है। तो वो जिसकी कुछ मार्गदर्शन करें। टीवी देखने के टाइम भटकने जाता है चित्त। फर्स्ट क्लास मिठाई खाने के टाइम भी भटकता है चित्त। अरे ये बस स्टैंड पे बैठा है, इधर उधर देखता है तो चित्त भटकता है, कौन गई कैसी है सब। तो चित्त जिधर इंटरेस्ट है वहाँ तन्मयाकार हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं है वहाँ भटकता है। स्टडी में इंटरेस्ट आ जाएगा तो चित्त एकाग्र हो जाएगा। ये विषय विकार में इंटरेस्ट है, खाने में इंटरेस्ट है, टीवी मूवी गेम देखने में इंटरेस्ट है, खेलने में इंटरेस्ट है, वहाँ चित्त चले जाता है। अभी इम्पोर्टेंस बढ़ाओ, महत्वता, जिम्मेदारी, फर्ज, हमारी पढ़ाई कैरियर बनेगी, हमारी लाइफ का आधार है, अच्छी तरह पढ़ाई करनी है। और दूसरा उपाय है ये चीज़ जहाँ जहाँ बिगड़ जाता है उसको धो डालो, प्रतिक्रमण करो। इसके लिए दादाजी ने प्रार्थना की किताब में प्रार्थना बताई है कि मेरे चित्तवृत्ति के सब प्रकार के दोष में धो डालो, ऐसे मुझे शक्ति दो। चित्तवृत्ति पढ़ाई में और दादा भगवान में एकाग्र हो जाए ऐसी शक्ति दो। मेरे से सर्वोत्तम पढ़ाई हो सके ऐसे मुझे शक्ति दो। शक्ति मांगो, प्रतिक्रमण करो, वहाँ विकारी दृष्टि ये मोह में सब चित्तवृत्ति चली गई है, उसके प्रतिक्रमण करो, जागृति रखो। धीरे धीरे चित्त शुद्धि होते जाएगी तो स्थिरता से पढ़ाई भी अच्छी होगी, एकाग्रता से ग्रास्पिंग अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। वो जिसकी याद शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? ये दूसरे में वापर डाली है वो बंद करो। ये जिधर जिधर राग द्वेष है वहाँ याद शक्ति संसारी बाबतों में डाल दी है। फिर पढ़ाई के इंटरेस्ट बढ़ेगा, वहाँ याद शक्ति बढ़ेगी हमारी, समझ में। ये उसके लिए प्रार्थना की किताब लेके जाओ और प्रार्थना बताइए, ऐसे करते जाओ, जरूर रिजल्ट आएगा। हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम याददाश्त दो। उसके लिए हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे चित्तवृत्ति के जो जो दोष हुए हों उसकी क्षमा मांगता हूँ और चित्तवृत्ति को आप में और पढ़ने में एकाग्र करने की शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो।